जी सर जी सर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिनांक 18/9/2024 को 6:30 बजे करीब में नगर थाना अंतर्गत नीम गली में बैजू सेठ को गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था और इलाज लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह केस एक चुनौतीपूर्ण केस था। पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के निर्देशानुसार और उनके आदेश के आलोक पर त्वरित रूप से एक टीम का गठन किया गया और टीम उसी दिन से काम करना प्रारंभ कर दी थी। उस दिन घटनास्थल पर दो तथ्य प्राप्त हुए थे। एक तथ्य ये प्राप्त हुआ था घटनास्थल पर गोली का खोखा मिला था और दूसरा तथ्य ये हुआ था कि मृतक और जो अपराधी थे वो लगभग में 10-12 मिनट बैठ करके बात किए थे और एक संबोधन आया था मामू मामू कह करके बात किए थे। इससे मालूम चला था कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही परिचित थे। उसी क्रम में रास्ते में हमारी जो टीम काम की उसमें CCTV फुटेज कुछ आया और उसके आधार पर हम लोग पहचान और चिन्हित करने के जो दावा किए थे उस दावा के तहत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो गाड़ी चला रहा था, जो जिसका नाम सन्नी कुमार है और वह झीली चौक मथुरापुर थाना का रहने वाला है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्होंने कांड का सफल उद्भेदन कराया और उसने ये बात बताई कि घटना के एक दिन पहले एक विशाल नाम का लड़का एक फूल दुकान पर काम करता था और उसका स्टाफ था। बच्चों बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था जिसको लेकर के मृतक के परिजन जाकर के विशाल को मारपीट किए थे और विशाल का दोस्त राकेश उर्फ महाकाल है। ये प्लानिंग बनाया कि चूंकि मारपीट विशाल के साथ हुई थी और उसी प्लानिंग के तहत एक योजना के तहत ये आ करके राकेश और सनी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और राकेश के द्वारा गोली मार करके जख्मी किया जाता है। छापामारी चल रही है, राकेश और अन्य अभियुक्त विशाल भी फरार हैं लेकिन वो बहुत जल्दी पुलिस के गिरफ्त में आएंगे और अन्य चीज़ों पर भी काम हो रहा है। CCTV फुटेज के माध्यम से हर एक व्यक्ति को लोकेट किया गया है कौन कहां पर था, क्योंकि यह घटना योजना के तहत कार्रवाई की गई थी। इस प्रकार हमारी टीम ने 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन किया और सही रूप से केस का तथ्य पर और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर इस टीम के द्वारा कांड का उद्भेदन किया गया है। इस टीम में थानाध्यक्ष नगर आशुतोष कुमार, मुकेश कुमार मथुरापुर थानाध्यक्ष, प्रताप कुमार सिंह, अमर कुमार एवं प्रवीण कुमार की महती भूमिका है। इस विधि व्यवस्था में भी जो आया था मामला उसके बावजूद ये लोग अपने एक निष्ठ होकर के इस कांड के उद्भेदन में लगे हुए थे और उसमें सफलता मिली है। इस टीम को विशेष रूप से पुरस्कार के लिए अनुशंसा की जाएगी।